चाहे क्रिकेट हो, कबड्डी हो, कोई भी खेल हो, एक अच्छा अनुशासन के साथ खेला जाए, एक अच्छा डिसिप्लिन के साथ खेला जाए तो क्रिकेट देखने के लिए यहाँ से भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा यहाँ पर पेश किया तीसरे ने। अभी तीसरे और विठल नगर के बीच में यहाँ पर मैच होगा। दोनों सलामी के बल्लेबाज विठल नगर अपने ग्राउंड पर भेज दें। मैं फिर से एक मतलब आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है मेरे साथ स्कोर और जो है वैभव राणे जो है मेरे साथ लगातार अच्छा स्कोर का काम अंजाम दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर अंपायर जो है वो गणेश सालवी और नयन शिंदे को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। टेनिस क्रिकेट के माध्यम से ये मैच आप यहाँ पर देख रहे हैं। आविष्कार मेलवे, अरविंद और विकास, ये जो है डीजे वाले अविनाश भी यहाँ पर है। तो ये एक अच्छा क्रिकेट यहाँ पर जो है पेश किया गया है। अच्छा क्रिकेट यहाँ क्रिकेट को दिखाने के लिए जिस तरह से यहाँ पर मेहनत की गई है, चारों तरफ यहाँ पर बैठने का इंतजाम है, बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है। क्रिकेट को एक अच्छा रूप देने की कोशिश की गई है यहाँ पर गुडवल की तरफ से। बहुत ही अच्छा क्रिकेट पेश किया जा रहा है। मैं फिर से एक मरतबा फैज अहमद आपकी खिदमत में यहाँ पर इस मैच का आंखों देखा हाल यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित जरूर हूँ। लेकिन इस तरह का ये टूर्नामेंट जो है अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि इस गाँव के लिए, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर नाइट टूर्नामेंट भी हुए थे। जब भी मैं यहाँ पर आया करता था नाइट टूर्नामेंट भी रहे, लगातार 2-3 सालों में जो हालात थे वो आप सबको मालूम है। उसकी वजह से टूर्नामेंट कहाँ पर भी नहीं होते थे। फिर से एक बार दबाई एक बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया यहाँ पर, जो कि एक जो यहाँ पर टूर्नामेंट जो रखा गया था वो यहाँ पर मैंने यहाँ पर निकाला भारत मंत्री चषक 2022 के नाम से यहाँ पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फील्डिंग सजाई जा रही है, चुके बैट्समैन चले जाए यहाँ पर अंपायर का वहाँ पर अंपायर का भी इंतजार है। वहाँ पर दोनों अंपायर जा रहे हैं तो दोनों बल्लेबाज भी वहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर गणेश सालवी, नयन शिंदे, दोनों अंपायर यहाँ पर जा रहे हैं। दोनों सलामी के बल्लेबाज ग्राउंड पर जाते हुए और दोनों बल्लेबाजों में से देखना है किसके हाथ में इस टैग खेला जाएगा। दोनों के पास बॉल है, अपनी बॉल लेकर चली गई विजय नगर के दोनों खिलाड़ी। अच्छा क्रिकेट यहाँ पर नजर आएगा क्योंकि एक अच्छा अनुशासन के साथ दोनों टीमें उतरी है ग्राउंड के ऊपर। भला प्यारा खूबसूरत सा नजारा यहाँ पर दोनों टीमों ने पेश किया है। अच्छी सोच, दोनों अंपायर वहाँ हमारे जा रहे हैं वहाँ पर। जो रत्नागिरी क्रिकेट एसोसिएशन के एक माने हुए अंपायर है, काफी सालों से हम एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। क्रिकेट में जहाँ पर भी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होती है मैंने देखा हूँ कि वो हालांकि अपने एरिया में काफी मरतबा यहाँ पर अंपायरिंग करने के लिए इनको आमंत्रित किया गया। सबसे पहले अगर इनको इंट्रोड्यूस किया था किसी ने इस इलाके में तो मुशीर खानदेशी ने लाया था टेम पाला में। उसके बाद से वो चर्चा में रहे और अच्छी अंपायरिंग की थी वहाँ पर भी, नाइट टूर्नामेंट की हो। उसके बाद काफी मरतबा यहाँ पर हमारे इलाके में अंपायरिंग के लिए आमंत्रित किया गया। बॉल चाहिए शायद अभी भी, पांच होगा मैच, एक और पावर प्ले की रहेगा, उसके बाद भी एक अच्छा मैच आना है। प्रिया स्पोर्ट्स, सूर्य, अलीबाग और साई के बीच में इसके बाद मैच होगा, एक अच्छा मैच इसके बाद आना बाकी है। जैसे पहली इनिंग समाप्त होगी दोनों टीम के कैप्टन यहां पर टॉस के लिए आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है जिस तरह से यहां पर पहले हमने सुबह में देखा था कि महादेव वाड़ी ने मैच जीता था वहां पर सोमदाई खेरवाड़ी के विरुद्ध, फिर वहां पर वर्सगांव और मजगांव के बीच में मैच हुआ था, मजगांव ने मैच जीता। ये तीसरा मैच चल रहा है विजय नगर वर्सेस तिसई और चौथा मैच जो होगा श्रेया स्पोर्ट हसूरे वर्सेस साई के बीच में मैच होगा। आठ टीमें आज यहाँ पर खेलेगी, उसमें से कौन सी एक टीम रहेगी जो आगे पहुंचेगी वो शाम तक हमें यहाँ पर पता चलेगा। अपने इस मैच को यहाँ पर शुरू कर, अंपायर से कुछ बातचीत हो रही है, इस वाले अंपायर है, मेन अंपायर, दोनों में आपस में कुछ ये बातचीत होती रहती है वहां पर। और उसके बाद ओके ओके टीम है साई की, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था उनका। साई ने हमने देखा था आप बेशक अप्रैल में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया था साई की टीम ने, वो फिर से एक मरतबा यहाँ पर उनको आमंत्रित किया गया। और मैं उनको सराहना करूंगी साई की टीम की क्योंकि वो पहले कहाँ पर खेलने नहीं जाते थे, लेकिन आप इतने दूर दूर तक खेलने आ रहे हैं, उनका हौसला बढ़ता हुआ। और यहाँ पर पहली ओवर लेकर देखना कौन आता है, राज बिरगावले, राज बिरगावले यहाँ पर आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, जबकि सलामी बल्लेबाज के तौर पर है आशीष और दिनेश। आशीष और दिनेश
ये जो है तीसरी की तरफ से और विठल नगर की तरफ से पहला राज यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए, काफी लंबा रन अप है राज का। पावर प्ले चलता हुआ पहली ओवर, पावर प्ले की पहली गेंद, पावर प्ले की पहली गेंद, राइट ऑफ द विकेट। ट्रैक पर है आशीष, नॉन ट्रैक पर है दिनेश, और पहली गेंद लेकर आ रहे राज। ये तीसरा मैच चलता हुआ इस टूर्नामेंट का, इस बड़ी टूर्नामेंट का तीसरा मैच, पहले दिन का तीसरा मैच। राज काफी लंबा रन अप, राज ने दौड़ना शुरू किया वहां पर, और यहां पर काफी तेज तर्रार गेंद अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया, एक अतिरिक्त रन के साथ खाता खुला यहां पर। लेकिन काफी तेज तर्रार गेंद है, एक्शन जो है वो थोड़ा सा देखने जैसा है, और जो गेंदे जो तेज हो रही है बहुत अच्छी तेज गति के साथ गेंदे हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सपोर्ट उनका एक्शन का भी है, क्योंकि जिस तरह से वो आकर वहां पर गेंद को फिनिश करने की कोशिश करते हैं, गेंद को जहां पर एंड करते हैं वहां से सपोर्ट मिलता है गेंद को और तेज करने के लिए। पहली गेंद वाइड, फिर से एक बार राउंड विकेट, राज ने दौड़ना शुरू किया, अच्छी गेंद, लेकिन फिर से एक मरतबा वहां पर वाइड, लगातार दो गेंदे दोनों वाइड है, दोनों उसी तरह की गेंदे थी, और इस तरह से इस गेंद के ऊपर भी रन मिला है वाइड के रूप में, लेकिन अच्छी कीपिंग वहां पर देखने में रही, जिसकी वजह से यहां पर रन मिले हैं सिर्फ दो वाइड के, एक टच के रूप में दो रन मिले हैं, कोई बाइस नहीं मिला। अच्छी कीपिंग वहां पर ऊपर भी की से काफी तेज दूर खड़े हैं, उनका मालूम है उनकी जो ये जो गेंदबाज है कितनी तेज गति की गेंदबाजी करते हैं राज, और बहुत तेज तर्रार गेंद सही के दोनों सलामी के बल्लेबाज वहां पर मौजूद। फिर से एक बार राज, और जितनी तेज गेंद थी उतना तेज शॉट था, पहले ही उछलती हुई गेंद को वहां पर खेल दिया है, अंपायर का इशारे का इंतजार यहां पर रहेगा, देखना अंपायर का इशारा अभी तक आया नहीं है। 6 रन, 6 रन। तेज तर्रार गेंदबाजी होती है तो बल्लेबाज को भी खेलने का एक अच्छा खासा वहां पर मौका मिलता है, अक्सर बल्लेबाज जो रहते हैं ज्यादा से ज्यादा तेज गेंद खेलना पसंद करते हैं, जितनी तेज गेंद आएंगी उतना खेलना पसंद करते हैं, तेज गति से उनके कोई परेशानी नहीं, दिक्कत होती है तो लंबाई से एक परेशानी होती है, जिस तरह से पराग ने कहा कि हमने ज्यादा से ज्यादा गेंदे गुडलैंड स्पोर्ट पर डालने की कोशिश की थी और वहां से हमको सफलता मिली, थोड़ी सी गुडलैंड स्पोर्ट पर थी थोड़ा सा अंदर टारगेट भी गेंदे फेंकी थी वहां पर पराग ने, उनको वहां पर सफलता मिली थी, यहाँ पर इस गेंद को देखिए उनके रडार में आई हुई थी, स्लॉट में फेंकी हुई गेंद थी, अच्छा शॉट वहां पर लॉग ऑन वहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर से वहां पर खेला था वहां 6 रनों के लिए, 6 रनों के साथ खाता खुला अपना, टीम का स्कोर जा पहुंचा 8 रन बगैर किसी क्षति के बगैर किसी नुकसान के, पहली ओवर जारी है, फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस बाय राज, से देखना है इस ओवर में कितने रन दे पाते क्योंकि पहला ओवर है, पावर प्ले का ओवर है, थोड़ा खेल रुका हुआ जरूर है, फिर से एक मतलब राज ही संभाल लेंगे क्योंकि राज के पास गेंदबाजी शुरुआती दौर में वहां पर जरूर उनके रन गए, पहले दो गेंदे वाइड फेंकने के बाद फिर एक गेंद जो कि एक नियमों के हिसाब से जिसे मान्यता दी जा सकती थी वहां पर उस गेंद को वहां पर खेला था 6 रनों के लिए, तो 6 रन बनाए अपने लिए और अपनी टीम के लिए, टीम का स्कोर हुआ 8 रन बगैर किसी नुकसान के। फिर से अपने बॉलिंग पर जाते हुए एक अच्छी टूर्नामेंट, एक अच्छा मैच उस टूर्नामेंट का, फिर से अपने बॉलिंग पर जाते हुए राज काफी लंबा रन भाई, इस वक्त और दो विकेट आ रहे परिवर्तन के तौर पर, दौड़ना शुरू किया वहां पर राज ने अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद लो फुल टॉस गेंद वहां पर देखना, ये अच्छी कैच, वेल डन, वेल कैच, और इसी के साथ पहले बॉल पर छक्का तो दूसरी बॉल पर विकेट। अच्छा क्रिकेट, क्रिकेट की यही खूबसूरती सबको भाती है, कभी रन तो कभी विकेट तो कभी रन नहीं, जले पे नमक छिड़कने का काम हमारे साथी कॉमेंटेटर इस बात को दौड़ दर्शाते हुए, और सही है उनकी बात मात्रे सर की बात कि जले पे नमक छिड़कने का काम किया यहाँ पर, लेकिन अच्छी गेंदबाजी क्योंकि लो फुल टॉस गेंद थी उसको खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद बैट पर सही नहीं आई और उसकी वजह से अच्छा कैच भी अच्छा देखने मिला था, और यही खूबसूरती है इस क्रिकेट की कि क्रिकेट में कभी क्या होता है तो कभी क्या, आप भी खुश, तेरी भी खुशी और मेरी भी खुशी, तू भी चुप मैं भी चुप, इस तरह का क्रिकेट यहाँ पर चलते रहता है, वही चीज देखने के लिए लोग दूर दूर से आते भी है, काफी लोग जो तो क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं, काफी लोग है जो यूट्यूब के माध्यम से मैच देखते हैं, ये क्रिकेट की खूबसूरती है जिसको लोगों को दिल को लुभाती हुई, और इसी वजह से लोग अपने जाकर सर्विस पर है वहां पर भी मैच को सुनते रहते देखते रहते,
नए बल्लेबाज हैं अमोल, यहाँ पर खेलने के लिए आ रहे हैं। यहाँ उनको आते ही उनको अपना स्ट्राइक पर दिनेश राउंड द विकेट, यहाँ पर अच्छी गेंद ऑन द टारगेट, फेंकी हुई गेंद बैक टू द बॉलर, खेलना चाहते जब तो फील कर, थोड़ी सी मिस फील्ड जरूर हुई लेकिन एक रन मिलेगा वहां पर, हल्के हाथों से वहां पर खेला था, कवर के क्षेत्र में एक फील्डर था, जब तक वो आकर फील करके थ्रो करता वहां से एक रन मिला है, एक रन के साथ स्कोर में स्कोर बढ़ता जा पहुंचा है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले 2 गेंदे वाइड फेंकी, फिर 6 रन, फिर विकेट, 3 गेंदे हुई है, रन दिए हैं यहाँ पर 9 रन दिए हैं। अच्छा मैच चल रहा है, दोनों तरफ मैच चलता हुआ पड़ा झुका हुआ है, दोनों टीमों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस ओवर में आहा क्या बॉल है, क्या बॉल था, बहुत बढ़िया गेंद, क्या लंबाई थी, बहुत ही अच्छी ऑन द टारगेट पे की हुई गेंद थी, क्रिकेट के क्रिकेट में एक अच्छी गेंद मानी जाती है इसको, बहुत बेहतरीन गेंद मानी जाती है क्रिकेट के नियमों के हिसाब से, क्रिकेट के अच्छाइयों के हिसाब से इस गेंद को एक अच्छी गेंद मानी जाती है। बहुत बढ़िया अच्छा फिनिश किया वहां पर अपने स्कोर को राज, अपने इस गेंद को राज ने, फिर से एक बार राज उत्साहित होते हुए अपने बॉलिंग बार पर काफी लंबा रन राउंड विकेट गेंदबाजी करने का शुरुआत करते हुए वहां से फिर से एक बार फिर से एक मरता छोटी सी गेंद देखने की कोशिश, वहां पर रन आउट हो सकते हैं लेकिन हाथ में गेंद नहीं आई राज के, अन्यथा वहां पर विकेट गवा सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिनेश सुरक्षित अपने क्रीज पर वहां पर है, सॉरी दिनेश नहीं वहां पर बल्कि अमूल है वहां पर सुरक्षित है, और इस तरह से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ जो है वो है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अब तक गेंदे हुई है, 1 गेंद आना बाकी है, आखिरी गेंद आएगी वहां पर, लास्ट टू गो, आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार होते हुए राज अच्छी गेंदबाजी रही। पहली गेंद पर वहां पर देखा, पहली 2 गेंदे लगातार वाइड फेंकी, फिर उसके बाद छक्का लगा था, उसके बाद अपना हिसाब किताब मुकम्मल किया, दूसरी गेंद पर वेरी नेक्स्ट डिलीवरी आउट किया था, कैच आउट किया कराकर अपना हिसाब किताब बराबर किया था, फिर से अपने बॉलिंग मार पर जाते, काफी उत्साहित होते, तेज तरार गेंदबाजी होती हुई फिर से एक मरतबा इस ग्राउंड के ऊपर हमें तेज तरार गेंदबाजी देखने मिल रही राज की तरफ से। थोड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, ये छोटा प्लेन गेंद थी वहां पर, कैच हो सकती है लेकिन कैच छूटा है, कहीं मैच न छूट जाए, कैच ऑन द मैच, कैच पकड़ो, मैच जीतों की बातें होती रहती है, अपने अपने कैच हो रहा है कहीं मैच न छूट जाए, इतना मुश्किल कैच नहीं था, रनिंग कैच जरूर था वहां पर, पहले रुके थे फिर उसके बाद वहां पर दौड़ लगाने शुरू किया था तो, लेकिन वहां पर कैच नहीं हुई, कैच छोड़ी है कहीं मैच न छूट जाए। तो इस तरह से पहली ओवर की समाप्त हो, स्कोर 2 अंक में डबल फिगर में पहुंचता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस पहली ओवर का लिखा चुका यह रहा कि पहली गेंदे 2 गेंदे वाइड फेंकी थी, फिर छक्का लगा था, वेरी नेक्स्ट डिलीवरी वहां पर कैच आउट किया था, फिर अंतिम 4 गेंदों में 2 रन दिए थे, इस तरह से कुल मिलाकर अपने ओवर में 10 रन 1 विकेट और 2 गेंदे वाइड, ये पहली ओवर में जो लिखा चुका था। फिर दूसरी ओवर के लिए देखना किसको आमंत्रित किया जा रहा है, कौन आ रहा है यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए, ये हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन देखिए शुरुआती दौर में यहाँ पर देखा जाए, अगर इसी टारगेट को अगर सामने रखा जाए तो 50 या 50 के आसपास भी जा सकते हैं, लेकिन हमने देखा था इससे पहले वाले मैच में 50 रन यहाँ पर सामने वाली टीम जो थी उसके लिए, वरसगांव के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, वरसगांव के लिए वो 50 रन नहीं बना पाए और 1 रन से वो मैच जीत लिया था मसगांव ने। तो अगर उसी टारगेट को अगर ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पर 60 से 65 का टारगेट जो है एक फाइटिंग स्कोर माना जाएगा। और यहाँ पर खेलने के लिए गेंदबाज है सचिन गेंदबाज है, देखना है सचिन किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। राज ने क्या गेंदबाजी की, चर्चा में रहे थे अपनी गति की वजह से, चर्चा में रहे थे, अच्छी लंबाई भी थी, थोड़ी सी दिशाएं गेंद भी की, उसके बाद अच्छी लंबाई की गेंदें फेंकी थी वहां पर। फिर से एक बार खेल शुरू होता हुआ सचिन दौड़ना शुरू किया, उसी तरह की शुरुआत यहां पर भी देखने मेरे जिस तरह से राज ने किया था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक्शन अलग है, राज के एक्शन में और सचिन के एक्शन में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अलग है, हाई आर्म एक्शन के साथ गेंदबाजी हो रही है। जब आप क्रिकेट के देख रहे हैं, जो लोग क्रिकेट देख रहे होंगे युवा खिलाड़ियों से खास करके मैं ये बात कहूंगा कि आप क्रिकेट की बारीकियों को सीखना जरूरी है। क्रिकेट की बारीकियों को देखिए कि कौन सा गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी किस तरह से होती है, क्या उसमें बारीकियां किस तरह से रीड किया जाता है, बॉल को किस तरह से रीड किया जाता है, पिच को किस तरह से रीड किया जाता है, ये सब सीखना पड़ेगा। राइट अब के दौरा शुरू किया, क्रॉस कट के बाद फिर से एक मरतबा ओहो अच्छा उसको फ्लैग करना चाहते थे वहां पर, उसको कट करना चाहते, गैप ढूंढ निकाला था वहां पर, गैप को ढूंढा था लेकिन वहां पर गैप उस क्षेत्र में खेलने से असंभव है, और इस तरह से गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई, कोई रन कोई नुकसान नहीं। अब तक इस ओवर की गेंदें फेंकी गई है, 2 गेंदें फेंकी है, कोई 1 रन यहां पर, अच्छी गेंदबाजी वहां पर, बढ़िया गेंदबाजी, फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए सचिन अच्छी गेंदबाजी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए सचिन काफी लंबा रन पे सचिन का भी दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस करने के बाद सामने खेलने के लिए तैयार होते हैं, बॉलर खेले बॉलर के सर के ऊपर से उसको खेल दिया, जब तक लॉन्गर का फील्डर आकर फील्ड करके थ्रो करता, दोनों वहां पर अपने छोर बता रहे डेंजर एरिया की तरफ दौड़ रहे हैं, डायरेक्ट बॉल मिलता तो शायद विकेट भी मिल सकता था, दूसरा रन मुकम्मल किया अपना स्थान ग्रहण करते हुए दोनों के साथ स्कोर में, तो स्कोर 2 अंक में डबल फिगर में पहुंचता हुआ जा पहुंचा है 13 रन इस ओवर में 3 रन मिले हैं, 13 रन हुए हैं, अब तक गेंदे हुई है 3 गेंदे हुई है और 3 गेंदों में रन दिए है 3, अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा हम कुछ लगाए रनों पर कंजूसी बरत रहे, ज्यादा रन नहीं दे रहे, फिर से अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए राइट अब विकेट दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया,
लेकिन अभी सबसे बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर से व्हाइट बॉल की दाद मांगी, अंपायर ने कहा कि नहीं एक अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ गेंद थी, थोड़ा सा आगे आगे खिलाया था इस बार, अगर गुड लेंथ स्पोर्ट्स से भी आगे गेंद को वहां पर बाउंस किया था और गेंद ऑप्शन के बाहर लगभग चौथे या पांचवें स्टाप पर इस गेंद को फेंका था और बैट्समैन भी सफल करके उसको जाकर खेलना चाहते थे, वहां पर ऑफ स्टंप पर जाकर उसको खेलना चाहते थे, टाइमिंग मिस कर बैठे उसको, अंत में वहां अपना शॉट चेक करते रहेगा तब तक गेंद विकेट कीपर के पास चली गई थी, कोई रन नहीं कोई नुकसान, चार गेंदे फेंकी, तीन रन खर्च किए, आपके पांचवी गेंद लेकर वहां पर आएंगे सचिन जिनका सामना करने के लिए सामने वहां पर है अमूल और दिनेश, वहां पर दोनों अभी भी पहले आशीष आउट हुए थे, राइट अप मोर द विकेट अगेन, लो फुल टॉस गेंद, क्या कैच होगी वहां पर, सचिन खुद अच्छे कॉट एंड बॉल, अच्छा कैच किया वहां पर, आसान कैच था, कोई मुश्किल नहीं था, इस तरह से विकेट दूसरा जाता हुआ। दिनेश आउट होकर पवेलियन में वापस, वैभव अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर स्कोरिंग का मेरे साथ यहाँ पर, और मेरे साथ आविष्कार भी है जिनके माध्यम से मैं आपको कुछ चीजें यूट्यूब के माध्यम से आप यहाँ पर अगर सुन रहे हैं तो इन दोनों के सहयोग के बिना हम यहाँ पर नहीं कुछ कर सकते। स्कोर हुआ है इस वक्त 13 रन, 13 रन पहला विकेट गया था, स्कोर था 8, दूसरा विकेट गया था, स्कोर है 13, पहली ओवर में रन बने थे 10, यहाँ पर अब तक गेंदे हुई है 5 गेंदे हुई, एक गेंद आना बाकी है और स्कोर है 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, क्या बढ़िया गेंदबाजी है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, दोनों पड़ोस की टीमें हैं एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, फिर से एक मरतबा सचिन फुल लेंथ गेंद थी, उसको बॉलर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, खेला जरूर लॉन्ग ऑफ की तरफ, यहाँ पर लॉन्ग ऑन की तरफ चले गए, जब तक फील्ड करके थ्रो करते वहां पर एक रन, दोनों ने बहुत ही पुराने मान के साथ अपने अपने छोर बदले थे, एक रन के साथ स्कोर में बढ़ती, दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ इस वक्त 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर में रन बने थे 10 जिसमें विकेट भी मिला था, दूसरी ओवर में 4 रन, क्या गेंदबाजी की है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी सचिन की तरफ से, एक रन 4 रन दिए 1 विकेट यहाँ पर, हालांकि इस ओवर में एक भी वाइड नहीं फेंका था, जबकि राज ने अपने ओवर में 2 गेंदे वाइड फेंकी थी, 1 विकेट सफलता 10 रन 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है कुल मिलाकर 14 रन। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर है जो सामने वाली टीम इस वक्त विट्ठल नगर की टीम जो है इस वक्त फील्डिंग कर रही है, जो प्रेक्षक देर से हमारे यूट्यूब के माध्यम से टेनिस क्रिकेट के माध्यम से अगर मैच देख रहे हैं, देर से देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि विट्ठल नगर इस वक्त यहाँ पर जो विट्ठल नगर तीसरे यहाँ पर खेल रहे हैं, तीसरे की यहाँ पर बैटिंग है वहां पर, और विट्ठल नगर जो है इस वक्त फील्डिंग कर रही है, विट्ठल नगर की तरफ से 2 ओवर फेंकी गई, पहली ओवर फेंकी थी राज ने, दूसरी ओवर सचिन ने, राज ने अपने वो पहली ओवर में 10 रन दिया और सचिन ने अपने पहली ओवर में 4 रन, और पहला विकेट गया था आशीष के रूप में और दूसरा विकेट गया दिनेश के रूप में, अब अमूल और उनका साथ देने के लिए आ रहे हैं शुभम। तो ये लिखा जोखा इस मैच का था, फिर से एक बार मरतबा आपके सामने उपस्थित मैं फैज अहमद एक बार फिर से एक बार मरतबा इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए तैयार। तो यहां पर गेंदबाजी दूसरा ओवर लेकर क्या तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं राज, राउंड द विकेट, बहुत तेज तर्रार गेंदे रहती है, इतना आसान नहीं होता इनके गेंदों को जज करना, बहुत अच्छी गेंदबाजी, क्या बढ़िया गेंदबाजी है, क्या अच्छा रिदम है इनके पास, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, थोड़ी सी पहले थोड़ी सी अनुशासन की कमी नजर आई लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया, बहुत अच्छी गेंदबाजी, क्या रिदम है इनके पास, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, फिर से एक बार तब अपनी गेंदबाजी को उत्साहित होते हुए, क्योंकि जब आप किसी गेंदबाज बल्लेबाज को बीट करते हो तो एक अलग सी खुशी महसूस होती है। राउंड द विकेट दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्रॉस करने के बाद, अगेन और उतना ही अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट वहां पर, गेंद जा रही वन बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन। Run, 18 for loss of 2 wickets. राज को हालांकि पहली ओवर में भी रन बने थे लेकिन गति की वजह से ज्यादा राज चर्चा में है, लेकिन काफी ऐसे बल्लेबाज है जिनको गति ज्यादा पसंद है, वो ज्यादा गति की गेंदें खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पर अब देखना ये है कि किस तरह से राज गेंदबाजी करते हैं। राउंड विकेट अगेन यहाँ पर शायद अंपायर का इशारा वाइड बॉल, वाइड बॉल और एक अतिरिक्त रन, काफी तेज तर्रार गेंद, विकेट कीपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी विकेट कीपिंग, हालांकि तेज तर्रार गेंदे हैं विकेटों से काफी दूर खड़े हैं लेकिन अब तक कोई बॉल नहीं छोड़ा है, ये उनके टीम के दृष्टिकोण से एक अच्छी बात है, अच्छी विकेट कीपिंग यहाँ पर हो रही है। फिर से अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए स्कोर हुआ है इस बार 19 रन 19 लॉस ऑफ 2 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस बाय राज, आहा अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, दर्शकों में सीधा जाता हुआ यहाँ पर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में 6 रन। तीन गेंदे हुई है
इस ओवर के 3 गेंदे फेंके राज ने और रन दिए है। इस ओवर में अब तक 11 रन खर्च किए हैं एक वाइड के सहारे। स्कोर कुल मिलाकर हुआ है 25 रन 25 रन। तीसरी ओवर राज ने पहली ओवर में भी रन दिए थे 10, एक सफलता प्राप्त की थी। यहाँ पर भी एक सफलता नहीं, मेरे गेंद वाइड फेंकी राज ने राउंड विकेट। अच्छी गेंद अच्छी लंबाई की गेंद थी, गुडलेन स्पोर्ट से वहां पर निकलती हुई सीधी विकेट के पास चली गई। वहां पर उसको अक्रॉस द एंगल जाकर उसको खेलना चाहते, गेंद और बने का कोई संपर्क ना, उसका गेंद सीधी विकेट के कीपर के पास चली गई। भाग्य ने उनका साथ दिया कि बैट के निचले हिस्से को नहीं लगी, अन्यथा कुछ और ही परिणाम होता। फिर से अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए यहाँ पर 10-12 कदमों का रनअप यहाँ पर इस वक्त राज का। अच्छी गेंदबाजी, तेज तर्रार गेंदबाजी हो रही है राउंड विकेट से और दो विकेट के लिए। वहां पर आए फुल टॉस गेंद, यहाँ पर अंपायर का इशारा नो बॉल और विकेट जरूर यहाँ पर मिला, विकेट नहीं मिला बल्कि नो बॉल है। ये हाई नो है जो अंपायर ने यहाँ पर हाइट की वजह से नो दिया है, तो इस नो की वजह से इस एक रन मिला है और एक रन मिला है नो का, दो रन मिलेंगे और दो रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 27 रन 27 रन। अंपायर से गार्ड ले रहे हैं, पूछ रहे लेग स्टंप गार्ड के बारे में पूछ रहे क्योंकि फ्री हिट है यहाँ पर, तो फ्री हिट का थोड़ा सा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे क्योंकि गेंदबाजी जिस तरह से हो रही है उसको देखते हुए, क्योंकि नॉन स्ट्राइक एक्सपर्ट से देख रहे होंगे किस तरह की गेंदबाजी हो रही है, इसलिए उन्होंने अपना स्टांप जो है वो लेग स्टंप पर ले लिया। अब देखना है इसका कितना फायदा उठा पाते हैं। राज हैट्रिक यहाँ पर, फ्री हिट का मौका है लेकिन अच्छी गेंद ऑन द टारगेट फेंकी हुई गेंद निश्चित रूप से गेंदबाजी की तरफ जा रही है। क्या वहां पर फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग, वहां पर जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाता दूसरा रन भी मुकम्मल। अच्छी तेजी के साथ वहां पर कवर के क्षेत्र में फील्डर को तैनात किया गया था, पॉइंट के पॉइंट बाउंड्री की तरफ आते हुए इसको फील्ड किया करके थ्रो किया और वहां पर अच्छा रन वहां पर मुकम्मल करते हुए। इस तरह से इस ओवर में एक फ्री हिट भी जरूर मिला था, एक नो बॉल भी, एक वाइड बॉल भी, यानी थोड़ा मिला जुला रहा ओवर जो है इस वक्त। आप यहां पर कह सकते हैं कि विठल नगर की तरफ से तीसरे के पक्ष में जाता हुआ और स्कोर हुआ इस बार 29 रन 29 रन। एक मिनट अंपायर जरा मैच रोक दे, क्या है स्टंप वहां पर आए, जो स्टंप पहले गिरे थे वो कीपर की वजह से या बैट्समैन की वजह से या फिर हवा से, अगर वहां पर हिट विकेट तो नहीं ना है। ओके ओके ओके, अंपायर कहते हैं अंपायर सहमत है कि ऐसा कोई नहीं है, इसलिए फिर से एक मरतबा राइट ऑफ राउंड विकेट और राउंड विकेट यहां पर, और यहां पर हिट विकेट मिलता हुआ इसी की चर्चा हो रही थी और आखिरकार यहां पर वही विकेट मिला जिसकी यहां पर हम चर्चा कर रहे थे। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है इस वक्त, हालांकि यहां पर विकेट भी मिला, शॉट भी अच्छा था और यहां पर अपना संतुलन खो बैठे हिट विकेट आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए। एक अच्छी चीज नहीं, किसी भी बल्लेबाज, कोई बल्लेबाज नहीं चाहता कि वो हिट विकेट आउट हो, कोई बल्लेबाज नहीं चाहता। तीन ओवर हो चुके, ड्रिंक्स ट्रॉली ऑन द फील्ड, ड्रिंक्स ऑन द फील्ड। पहली ओवर में 10 रन, दूसरी ओवर में 4 रन, फिर से एक मतलब राज महंगे साबित हुए 15 रन। पहली ओवर में 10 रन दिए, फिर उसके बाद सचिन ने क्या गेंदबाजी की, 4 रन दिए थे। अब राहुल खेलने के लिए आए हैं, राहुल का सा यहाँ पर विकेट, पहला विकेट गया था 8 पर, दूसरा विकेट 13 पर, तीसरा विकेट 29 पर। अच्छी साझेदारी हुई थी दोनों के बीच में, 13 पर विकेट जाने के बाद 29 रन तक पहुंचाया था अपनी टीम का स्कोर, एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ पहुंचाए। अमूल यहाँ पर खेल रहे हैं अभी भी, वहां पर जो खेल रहे 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और
क्वाइट। फिर से अपने वॉली मार पर जाते हुए देखना किसको दे रहा है, आक्रमण पे किसको लगाया जा रहा है, कौन आ रहा है गेंदबाजी के लिए। शुभम, शुभम गेंदबाजी करेंगे। एक शुभम थे जो मजगांव की तरफ से, उन्होंने गेंदबाजी की थी। अंतिम ओवर तो चर्चा ही रहा था, छक्के भी लगे थे, चौके भी लगे थे और विकेट भी मिला था। अच्छा मैच रहा था, बहुत अच्छा मैच रहा था। यहाँ पर हिट विकेट आउट होकर चले गए थे यहाँ पर अमूल। राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी लंबा रन अप, रन अप तीनों गेंदबाज का उतना ही है। और फिर से एक मतलब थोड़ी सी लो फुल टच गेंद थी, लेकिन उसका सही फायदा नहीं उठा सके। एक रन मुकम्मल किया, दूसरा रन के लिए कॉल करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा वहां पर झपट्टे हुए फील्डर को, अपने इरादे को बदल दिया और इस तरह से इस गेंद के ऊपर मिला एक रन। एक रन के साथ स्कोर, चौथी ओवर की पहली गेंद स्कोर हुआ है इसी के साथ 30 रन। 30 रन स्कोर हुआ है, 30 रन चौथी ओवर प्रगति पर है। फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस बाय शुभम। सामने है राहुल अमोल, सॉरी इस बीच इस गेंद को खेला जरूर हवा में, गेंद आसान सा कैच, कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान बनाकर इसे कैच किया है और इस तरह से लॉन्ग ऑन पर कैच आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए। और वेल डन, देखिए बैट्समैन दीपेश यहाँ पर क्या, यहाँ पर कैच लिया, कैच की तारीफ करनी पड़ेगी। अपोजिट साइड में कैच करना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसे अपने टीम के लिए अच्छा एफर्ट लगाया, अच्छी कैच की, बढ़िया कैच, बहुत अच्छा मिड विकेट के ऊपर कैच लिया गया था और इस तरह से विकेट यहाँ पर लगातार जाते हुए, यहाँ पर पहला विकेट गया था 8 पर, दूसरा 13 पर, 29 पर, फिर 30 पर, फिर भी 30 पर, तो इस तरह से लगातार विकेट विकेट पे विकेट जाते हुए। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर शुभम के द्वारा, शुभम यहाँ पर जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली बॉल पर एक रन, दूसरी बॉल पर विकेट, तीसरी बॉल पर विकेट, अच्छी गेंदबाजी शुभम द्वारा। फिर से एक मरतबा राइट आउट द विकेट दौड़ना शुरू किया अगेन, और फिर से एक मरतबा क्या यहाँ पर कैच होगी, क्या गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाएगी, अच्छी कैच यहाँ पर, देखना है अंपायर का इशारा आता हुआ आउट। वेल डन, वेल कैच, बहुत ही बढ़िया कैच, अच्छी। हैट्रिक हासिल किया है, लगातार 3 गेंदे 3 विकेट यहाँ पर। वेल डन, वेल बॉलिंग बाय शुभम, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, 4 गेंदे फेंकी, पहली बॉल पर 1 विकेट, लगातार 3 गेंदों पर 3, लेकिन कैचिंग बहुत अच्छी रही, बहुत बढ़िया फील्डिंग देखने मिली थी, अच्छी कैचिंग पोजीशन यहाँ पर देखने मिली थी। इस तरह से विकेट लगातार अंतराल पर विकेट जाते हुए अब यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं सागर, यहाँ पर सागर यहाँ पर खेलने के लिए, पहली हैट्रिक है इस टूर्नामेंट की, पहली हैट्रिक नए बल्लेबाज साहिल, साहिल खेलने के लिए आ रहे हैं टूर्नामेंट के पहले हैट्रिक, अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, बैकफुट पर ढकेल दिया यहाँ पर किसी के टीम को विठल नगर ने, अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी।
क्या गेंदबाजी हो रही है, तेज तर्रार गेंदबाजी, तीनों गेंदबाजे काफी तेज गेंदबाजी की है। फिर से एक मरतबा राइट ऑफ द विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस करने के बाद धीमी गति से फेंकी हुई गेंद, अच्छी गेंद थी और इस बार यहां पर गति परिवर्तन करते हुए समझ नहीं पाए गति को और इस तरह से गेंद जो है वो विकेट कीपर के पास चली गई। कोई रन कोई नुकसान नहीं, अब तक उन्होंने गेंदे फेंकी है, चार गेंदे फेंकी, सॉरी पांच गेंदे फेंकी है, कोई एक रन दिया है, तीन सफलता है प्राप्त की। क्या गेंदबाजी, वाह वाडा बॉलिंग, कितना अच्छा परफॉर्मेंस गेंदबाजी के द्वारा आप यहाँ पर पेश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अगर विट्ठल नगर के दृष्टिकोण से बात की जाए तो सबसे बेहतरीन ओवर जाता हुआ विट्ठल नगर के लिए। राइट ऑफ द विकेट दौड़ना शुरू करने के बाद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, आप सबसे काफी ज्यादा बाहर, अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया और एक अतिरन के साथ इसको अब तक अच्छी गेंदबाजी की, बढ़िया गेंदबाजी की। यहाँ पर थोड़ा सा नियंत्रण खो बैठे, गेंद वाइड करार दी गई थी और इसी के साथ स्कोर बढ़ते स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 31 रन 31। पहला विकेट गया था यहाँ पर 8 पर, दूसरा 13 पर, तीसरा 29 पर, चौथा 30 पर, पांचवा 30 पर, छठा भी 30 पर। इससे पहली वाले मैच में हमने देखा था पूरी टीम को ऑल आउट किया था, पांच ओवरों में मसगांव ने वरसगांव को ऑल आउट किया था। इस इनिंग के बाद यहाँ पर टॉस के लिए दोनों कैप्टन यहाँ पर आएंगे, सिरेज स्पोर्ट हरी हशिवरे और साई दोनों टीम के कैप्टन तैयार रहे। इस बीच इस गेंद को खेला जरूर है, क्या यहाँ पर कैच होगी, नहीं, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, 6 रनों के लिए जाता हुआ बैकवर्ड स्क्वाड के ऊपर से यहाँ पर 6 रनों के लिए। थैंक यू। तो इस तरह से इस 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचे 37 रन। हालांकि तीन ओवर हो, चार ओवर हुए हैं, पहली ओवर में 10 रन, दूसरी ओवर में 4 रन, फिर 15 रन दिए तीसरी ओवर में, यानी राज थोड़े से महंगे साबित हुए। बनिस्बत आप सचिन और शुभम को अगर सामने रखा जाए तो राज काफी महंगे साबित हुए। दो ओवर में उन्होंने रन दिए 25 रन दिए, 2 विकेट प्राप्त किए थे, 2 गेंद व्हाइट, 1 3 गेंद व्हाइट और 1 नो बॉल फेंका था। और फिर उसमें यहाँ पर सचिन ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 रन दिए, 1 सफलता प्राप्त की थी। और अंत में यहाँ पर अभी शुभम ने एक ओवर फेंकी, वहां पर 8 रन दिए, 3 सफलताएं लगातार, 3 गेंद, पहले हैट्रिक है टूर्नामेंट की। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छे अनुशासन के साथ गेंदबाजी देखने में, डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी देखने मिली थी। अब यहाँ पर अंतिम ओवर स्लॉप ओवर में कहा जाता है कि यहाँ पर ज्यादा रन बनते हैं, इस तरह का एक क्रिकेट में एक मानसिकता बनी हुई है उसमें, और वो सही भी, क्योंकि अंतिम ओवर में आप जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रन बने, क्योंकि फिर वहां पर विकेटों का ज्यादा अहमियत नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर देखने गेंदबाजी के लिए सहयोग यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे साहिल और दीपेश। साहिल स्ट्राइक पर है और दीपेश नॉन स्ट्राइक पर, साहिल ओके। तो फिर से एक मरतबा अपनी बॉलिंग मार पर जाते हुए राइट आर्म और द विकेट यहां पर, ये चौथा गेंदबाज है, इतनी तेज गति के साथ दौड़ रहा है। अब सबसे बाहर जाती हुई गेंद, सुरक्षित शॉट है, पॉइंट के ऊपर से वहां पर खेला जरूर, निश्चित रूप से गेंद बड़ी रन के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। वेल शॉट, गैप ढूंढ निकाला 4 रनों के लिए। चार रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 41 रन 41 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट। अच्छी शुरुआत इस ओवर की, अगर यहां पर तीसरे के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो कितना टारगेट दे पाती है ये देखेंगे हम। 41 हो चुके हैं, 41 रन तो हो चुके हैं यहां पर। फिर से एक बार दबा बैक टू द बॉलर के अलावा, बॉलर के सर के ऊपर से चली गई मिड ऑफ और मिड ऑन के बीच में, जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो करते एक ही रन की संभावना, बाकी तमाम संभावना को रद्द करते हुए अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छा थ्रो और इस तरह से एक रन स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ जा पहुंचा 42 रन 42 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट। लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस बाय सहयोग, यहां पर गेंदबाजी कर रहे, 2 गेंदे फेंकी, 5 रन खर्च किए, तीसरी गेंद लेकर आते हुए इस ओवर की और पांचवी ओवर की आखिरी गेंद, आखिरी ओवर की 4 गेंदे आना शेष। स्कोर है इस वक्त 42 42 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर इस इनिंग की, पहली इनिंग की आखिरी ओवर की 4 गेंदे आना शेष। राइट ऑफ द विकेट होना शुरू किया, फिर से शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी और इस गेंद के ऊपर खेला जरूर, विकेट मिल सकता है, क्या छुट्टी है फिर से एक मरतबा यहाँ पर। और देखना ये है कि क्या यहाँ पर इस कैच का कितना लाभ उठा पाते हैं, लेकिन गेंदें ज्यादा बची नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मोड़ पर आकर आपने अपनी टीम के लिए कैच छोड़ा है।
लेकिन क्रिकेट क्रिकेट इसी तरह से होते रहता है, इसकी इसकी चर्चा होती रहती है, ये चर्चाओं का विषय है और चर्चा होना भी चाहिए, बात इस पर तो होना भी चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से फील्डिंग कर रहे हैं टीम की, आपका मनोबल आपका गिर जाता है, फिर आपके गेंदबाजों का मनोबल गिर जाता है अगर आपने इस तरह की फील्डिंग की तो। फिर से मतलब आपने बॉलिंग मार पर 3 गेंदें अब तक फेंकी है, 6 रन खर्च किए, 1 विकेट मिलते मिलते बचा वहां पर वंचित हो गए विकेट मिलने से, विकेटलेस गेंदबाजी अब तक हो रही, 3 गेंदें फेंकी है, लेकिन कहां पर यहां पर अच्छी यहां पर विकेट कीपर भी चकमा खा बैठे, क्योंकि गेंद कारपेट के सहारे उनके तरफ पहुंचते वहां पर थोड़ा सा वहां पर टलने गई और 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ इस पर बढ़ोतरी स्कोर पर तवज्जा पहुंचे 6 विकेट के नुकसान पर 44 रन 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें आना शेष, अंतिम 2 गेंदें आना बाकी है, इन 2 गेंदों में कितना टारगेट दे पाते हैं ये हम यहां से देखेंगे। 44 रन हो चुके, 44 रन हो चुके हैं और 2 गेंदें आना शेष, 6 विकेट गए हैं इस पहली ओवर में, 10, दूसरी ओवर में 4, तीसरी ओवर में 15, चौथी ओवर में 8 रन मिले थे सहयोग। और इस अब फिर से मतलब बॉलर के सर के ऊपर से खेला था, लेकिन इस बार भी उनको नहीं मिला, अच्छी फील्डिंग वहां पर और अच्छा थ्रो तो कहां जा सकता था, लेकिन वहां पर हाथ में नहीं, दूसरा रन मिला, जहां पर 1 रन मिलना चाहिए वहां पर मिले 2 रन, ओवर थ्रो के रूप में 2 रन मिला और 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 पर लॉस ऑफ 6 विकेट। लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस, एक गेंद आना बाकी है पहली ओवर की, पहली इनिंग की आखिरी गेंद आना शेष, ये आखिरी बॉल फेंका जाएगा पहली इनिंग का और कुल मिलाकर तीसरे अब तक जो बल्लेबाजी की है उसमें उनका स्कोर है इस वक्त 46 रन हो चुके हैं। अंतिम गेंद आखिरी गेंद आना शेष, इस पर कितने रन बन पाएंगे ये हम देखेंगे। विट्ठल नगर वर्सेस तीसरे मैच चलता, बैटिंग करने वाली टीम है तीसरे और इस बार इसको खेला जरूर, हल्के हाथों से वहां पर गिरा, टाइमिंग मिस कर बैठे, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा रन के लिए वहां पर कॉल किया है, क्या दूसरा रन यहां पर डेंजर साबित हो सकता है, नहीं, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तेज तर्रार वहां पर दौड़ते हुए और इस तरह से 2 रन मुकम्मल, 48 रन हो चुके, वही टारगेट जो इसे पहले वाले मैच में मिला था, क्या मैच वैसा ही होगा वहां पर ही जाकर खत्म होगा, ये देखने वाली विषय रहेगा, एक अच्छा विषय है ये, अच्छी यहाँ पर नीति अपनाई है, 48 रन बनाए, एक अच्छा फाइटिंग स्कोर माना जाएगा इस पिच के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर। टॉस के लिए दोनों टीमें यहां पर चले आए, श्रेया स्पोर्ट अशिवरे और साई दोनों टीम के कैप्टन यहां पर टॉस के लिए चले आए, मात्रे सर वहां पर जाकर टॉस ले, किसके हाथों से करना है टॉस, मात्रे सर लेके जाए, किसके हाथों टॉस करना है, केसे वेलकर इनके हाथों से यहां पर टॉस किया जाएगा, दोनों कैप्टन वहां पर चले आए, श्रेया स्पोर्ट हशिवरे और साई दोनों टीम के कैप्टन आ जाएगा वहां पर और पराग खोत जा हेलो पुढील होणाऱ्या सामन्यांसाठी दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती करेन की त्यांनी दोन्ही टॉस का बॉल साठी या मंचावरती यायचंय। हशिवरे बनाम साई, हॅलो, अलिबाग टेनिस क्रिकेटचे सुपरस्टार प्रसाद पाटील आणि पिंट्या पाटील यांचं गटवळ ग्रामस्थ मंडळ आणि क्रिकेट क्लब तसेच दीपक शेठ यादव मित्र मंडळ यांच्या वतीने हार्दिक स्वागत आहे। एक गुणवान खेळाडू म्हणून प्रसाद पाटील कडे पाहिलं जातं, परवा सुद्धा आपल्याला अप्पा 11 अलिबाग या संघाचे प्रतिनिधित्व करताना आपल्याला दिसतील ते प्रसाद पाटील, नाणेफेकीचा यकीनन यहाँ पर दोनों ही टीम के कप्तान यहाँ पर मजे हुए हैं, महेश पवार गुरुग्राम पंचायत भुवन गुरुग्राम पंचायत के सदस्य तीसरे फर्स्ट कॉल हेड इज द कॉल
and now won the toss. Hashivre. यहाँ पर बेहतरीन सवेरे से देखा जाता है तो 50 रन बनते हैं और आंकड़े मिटते चले जा रहे हैं, तो लगभग जिन्होंने यहाँ पर जो आवाजें दी हैं कि हम सामने वाले टीम को 50 के अंदर रोकेंगे और ऐसा भी हुआ है, लेकिन उन्होंने वो आंकड़े बनाए नहीं, तो आपकी राय क्या है कि अगर आपने टॉस जीता है तो आपका सबसे बेहतरीन है कि आपका फैसला क्या होगा? जी हाँ, हसीवरे टीम के कप्तान ने कहा कि हम 50 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे, तो ये निर्भर इतना भी नहीं होता है कि मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि ये बिल्कुल इस तरह का सूखी हरियाली वाला मैदान था और इस मैदान के ऊपर आज जो हमने ये हॉरिजॉन्टल मैदान बनाया है जो पालक मंत्री चषक है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? यापूर्वी उसको खेलो ही मी इतने ग्राउंड वर हा ग्राउंड बनाने से खूब मेहनत खूब मेहनत मी बगतो इतने रात्री पास मेहनत यकीनन टॉस जिंकून सर्वप्रथम क्षेत्ररक्षण घेण्याचा स्वीकार केलेला आणि म्हणालेत की हशिवरा टीमचे कर्णधार की 50 धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करेल, तर मी साई संघाचे कर्णधार आहे, तुम्ही त्यांना विचारतोय की तुमचं मनोधैर्य किती असेल की ह्या मैदानावरती किती धावसंख्या झाली पाहिजे? यकीनन यहाँ पर इन्होंने आंकड़े दिए हैं, 60 प्लस कर सकते हैं, तो ये यकीनन बहुत ही कांटे का मुकाबला रहेगा। जंगल में दो शेर रहा नहीं करते, एक को तो जाना होगा, लेकिन ये कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। किसके ऊपर आप टारगेट करना चाहेंगे, ज्यादा करके कमजोर गेंदबाजी हो या फिर अच्छी गेंदबाजी के ऊपर निर्भर करना चाहेंगे? यकीनन इन्होंने बयान ये कबूल किए हैं कि पहली मर्तबा हम एक क्लास के टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, तो फिर से एक बार हेलो हशिवरा टीम के कप्तान से कहना चाहूंगा कि नक्कीच एक कमजोर टीम तुमच्या समोर आहे, परंतु मैदानामध्ये कधीच कोणत्या टीमला कमजोर समजू नये, याबद्दल तुमचं काय मत आहे? क्रिकेट मध्ये कधीच कोणी कधी कमजोर नाही। धन्यवाद। क्रिकेट आहे, काही होऊ शकतं। धन्यवाद मात्र सर, पुन्हा एकदा आपण दोन्ही संघ नायकांना माझी बेस्ट, माझ्याकडून बेस्ट ऑफ लक। पुन्हा एकदा मॅच कडे जाऊ, स्ट्राइकला येतो सौरभ आणि नॉन स्ट्राइकला राज, गोलंदाज सागर माणगाव ग्रामीण असोसिएशनचा एक सुंदर असा गोलंदाज भुवन एंड करून गोलंदाजी करतो आपल्या संघासाठी। मात्र सर पहिले मध्ये येते, पुन्हा एकदा मॅचला सुरुवात होते विठ्ठलनगर तसे। आणि पुन्हा एकदा आपल्याकडे मॅच कडे घेऊन जातील ते मात्रे सर या सामन्यासाठी समालोचन करणार आहेत। यकीनन आंकड़े तो दीवार के ऊपर लटके हुए हैं, 48 और दोबारा यह आंकड़ा इस मैदान पर 48 का आया है, तो यकीनन मैं कहना चाहूंगा मटका लगाने वाले होशियार, कहीं ऐसा ना हो ये कल्याण और महाराष्ट्र राज्य लॉटरी के लिए यह आंकड़ा लग जाए। दोपहर के 3 का वक्त हो चुका है, 48 का आंकड़ा दोबारा आ गया है। ब्लॉक हॉल में डालने की कोशिश, स्क्वायर की तरफ बल्ले का ब्लेड ओपन किया, लेकिन बिल्कुल आंखों के सामने एक रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज तीसरा टीम के। सौरभ अब राज अपना लोहा मनवाने की कोशिश में, दोनों ने अपना खाता खोला है और ये देखना होगा कि 49 रनों का आंकड़ा कब तक निर्भर करेगा इनके सरे आंखों पर। अंदर की हल्की सी एज की आवाज बिल्कुल यहां तक सुनाई दी, जैसे शोले फिल्म में गब्बर ने कहा था 50-50 दूर कोस जब बच्चा रोता है तो मां कहती है बच्चा सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो ऐसी आवाजें आई थी, लेकिन बस किस्मती से ये गेंद कीपर की दस्तानों में जाकर नहीं सिमट गई। एक और कॉट द बिहाइंड विकेट के लिए रन्स मिलता हुआ। सागर फिर से एक बार अपना मोर्चा संभालते हुए, काफी लोअर फ्लैट है फुल टॉस,
और यहाँ पर हाँ हाँ नाना करके इस बीच विकेट मिलना चाहिए थी। यकीनन ये बिल्कुल रीढ़ के हड्डी के ऊपर से निकलते हुए गेंद के ऊपर मेरा अंपायर ने जाना और पहचाना और नो बॉल करार कर दिया। वन प्लस वन कन्वर्ट करते हुए अपना मोर्चा आगे लेते लेके जाते हुए तीसरा इलेवन की दोनों ही बल्लेबाज। ये बहुत ही घरेलू मैदान में दोनों ही आमने सामने के डोमेस्टिक लेवल के क्रिकेट में मजा देखने को मिलेगा, भले चाहे स्कोर 48 क्यों ना हो। जड़ में डालने की कोशिश और सफल रहे हैं गेंदबाज सागर, बिल्कुल हैरत अंगेज में डाला बल्लेबाज को। ऐसी गेंदें तो बहुत ही मुश्किलें पैदा कर देती हैं, जैसे जब समुंदर में सुनामी आ जाती हैं, वो बिन बुलाए आ जाती हैं। जैसे घर में बिन बुलाए मेहमान आती हैं, उसी अंदाज से ये जो यॉर्कर लेंथ और द फुल लेंथ ऑफ द डिलीवरी आती है, उसके बाद वाइड यॉर्कर गेंद आती है, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ द लेन नीचे रही गई गेंद, बल्ले का ब्लेड ओपन किया, जोरदार अपील, लेकिन यहां पर रन्स निकालने होंगे क्योंकि बल्लेबाज सेफ में है। एक से बने दो और दो से बने तीन, कोई जरूरत नहीं थी यहां पर डायरेक्ट हिट लगाने की, सिंगल चली गई थी आसानी से, गेंद आपने कलिक के पास भेज देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपील करते रहे लेकिन तब तक काम दोनों ही बल्लेबाज ने तंग किया, पूरा किया। इसे तीन अंकों के बदले से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8, स्कोर जा पहुंचा है 8। गार्डन ढाबे पे सरदार ने डाली है खाट, जाकर झूम लो, दोपहर का वक्त आया है, सोने का ही वक्त आया है। जागे तो पाए, जागे तो पाए, सोए तो खोए, जो झोपला तो संपला। अगली गेंद फिर से एक बार सागर मोर्चा संभालते हुए, बिल्कुल ये शॉर्ट ऑफ द लेंथ और हल्का सा जहां गुड लेंथ स्टार्ट होता है वहीं पे गेंद बिल्कुल बल्लेबाज के बल्ले के स्टिकर पर, ब्लेड को थर्ड मैन दिशा में कन्वर्ट किया, सिंगल मिलते हुए स्कोर में तब्दीली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9। चौबीस गेंदे और अभी भी 40 रन की जरूरत। ये हलचली शुरू हो चुकी है, 24 गेंदे और 40 रन की जरूरत। मैदान मध्ये मीटिंग आणि चर्चा नको आहे, तीन षटकांच्या अखेरीस 3 मिनिटांचा ब्रेक दिला जातोय, तिथे तुमचे निर्णय काय असतात ते घ्यायचे असतात। विनाकारण मैदानामध्ये जिल्हा परिषदेची मीटिंग आणि गदर परिषद नकोय, त्वरित प्रत्येकाने प्रत्येकाच्या जागेवरती जायचंय। हे एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट आहे, पालकमंत्री चषक आहे, इथे प्रोफेशनल लेवलला तुम्हाला खेळावं लागेल, ह्याचं सर्वांनी भान ठेवायचं आहे। कॅप्टनचा इशारा फक्त प्लेयर वरती असावा आणि प्रत्येक प्लेयरचा इशारा कॅप्टन वरती असावा, हात कुठे करतोय। लाखाच्या टूर्नामेंटमध्ये खेळणं साधी गोष्ट नसतोय, गाउंडल पद्धतीचा आपण क्रिकेट खेळत नाहीये, एक प्रोफेशनल आणि डोमेस्टिक लेवलचा क्रिकेट खेळतोय, याचं सर्वांनी भान ठेवायचं आहे। आम्ही ज्या ज्या वेळेला आरके ट्रॉफी चेंबूरला पाहायला जायचो चंद्रकांत पाटील एका शिट्टीवरती, तेव्हा माणिकचंद इलेव्हन मधनं खेळायचे, प्ले बॉईज विले पार्ले मधनं खेळायचे, त्या टायमाची 1995-96-97 ची टूर्नामेंट आणि त्याच्यानंतर पहिली टूर्नामेंट रसायनी मोहपाडामध्ये 11,000 झाली, प्रशांत ठाकूर त्या टायमाला आमच्या सोबत एक सहकारी म्हणून होते, आज ते खासदार आहेत, एवढाही अभिमानानं सांगतोय। मला क्रिकेटमध्ये कोणाचा आणावे नाहीये, परंतु वेळ आणू नका अशा गोष्टी आणण्याची। नक्कीच आमचे खरोखरच टीम मेकर सागर शेठ खानविलकर इथे उपस्थित झालेले आहेत। और इस बीच गेंद को लिफ्ट किया है, सीधी गेंद हरियाली में,
चिड़िया छुप गई खेत में। हाँ जी हाँ, यहाँ पर नो बॉल मिला है। एक और खुराक मिला है तो ऐसा लगता है कि शेर के जबड़े में हिरन। यकीनन मैं अंपायर से मैं ये दरखास्त करना चाहूँ, ये नो बॉल किस बात का दिया गया है? फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन का दिया गया है, ये फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन का दिया गया है नो बॉल। भावना च्या आधारे होऊन आपले प्लेयर कोणत्या जागेवरती आहेत याचं भान ठेवावं लागेल। अगली गेंद और फिर से एक बार लिफ्ट किया है, रोकना नामुमकिन। ये तो चला मुंबई गोवा महामार्ग के ऊपर, 6 रन के लिए टकाटक। का लाइसेंस मिला जैसे भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता और कटा हुआ मुर्गा आग से नहीं डरता। और फिर से बल्ले का ब्लेड ओपन किया फाइन की ओर। सागर शेठ खानविलकर साहेबांना विनंती करेन या मंचावरती येऊन स्थानपन्न होऊन या कार्यक्रमाची शोभा वाढवायची आहे। तसेच त्यांच्या सोबत कार्यरत असलेले माणगाव ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष आणि अध्यक्ष सुचन कदम साहेब आपल्या अनुयायांना घेऊन या कार्यक्रमावरती यायचं आहे ही मंडळाकडनं। त्याचप्रमाणे कॉमेंटेटर मात्रे सर यांच्या वतीनं विनंती। हल्की सी गेंद बिल्कुल शॉर्ट ऑफ द लेन और यह गेंद इतनी नीची रह गई कि बल्लेबाज को झुकना पड़ा कि ब्लेड को नीचे जमीन के सरफेस के ऊपर डालना पड़ा, लेकिन स्टीयर किया थर्ड मैन की तरफ और एक रन के जरिए में तब्दील स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24। नक्कीच विलास शेडियलकर यांना मी विनंती करेन, विलास शेडियलकर यांना मी विनंती करेन की मायेचा गुलदस्ता देऊन सागर साहेबांचं सागर खानविलकर यांचं इथे स्वागत करायचं आहे। वेळात वेळ काढून उन्हाच्या लाटा अंगावरती झेलून ह्या घोटोलच्या सरजमीवरती इथे आलेले आहेत। सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करायचं आहे। नक्कीच या असोसिएशनच्या पाठीशी ते उभे असतात आणि ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवतात। पकवादा के लिए यहाँ पर रिव्यू ले लिया गया है, थर्ड अंपायर के लिए अपील की है, कॉल दिया गया है, यहाँ पर चेकआउट हो रहे हैं। कौन इन होगा, कौन बाहर जाएगा, संघर्ष भरा यह वातावरण विठल नगर बनाम तीसरे इनके बीच में। भले चाहे आंकड़े 49 रन के हो, लेकिन ये दोनों के लिए डू और डाई की परिस्थिति सामने आकर खड़ी है। हाँ, यहां पर कॉल मिला है, नॉट आउट है, यहां कॉल मिला है, नॉट आउट है। जो गेंद बिल्कुल लाइन को छोड़ के बाहर निकल रही थी, अरे ज्यादा अंपायर इतने रिव्यू देते थर्ड अंपायर कड़े, त्याच्यानुसार संघ सेवकांनी कोणीही
स्क्रीन समोर येऊ नये। अंतर की तरफ आते हुए ये गेंद बिल्कुल मिड ऑन की तरफ गेंद को स्टीयर किया, गेंद को ट्रैवल करते हुए गैदर करे, पिक करे और इस मरतबा यकीन अलग बल्ला हवा में था, जाना होगा इस बल्लेबाज को। सौरभ आउट हो चुका है रनआउट के रूप में, बिल्कुल रनिंग द बिटवीन आउट होना मतलब आपने आपके ऊपर भरोसा न होना। क्रिकेट में रनआउट होना मतलब आप अपना आपके ऊपर भरोसा न होना, तो आगे आने वाले वक्त में इसको सुधारना होगा। सौरभ आउट होने के बाद उनकी जगह संभालने जा रहे हैं नए बल्लेबाज है ऋतिक। राकेश वाडवळ साहेब मैदानाच्या बाहेर या कार्यक्रमाचा आनंद घेत आहेत, ते त्यांना विनंती करेन बापूजी क्रीडा स्पोर्ट घोटोल यांच्या वतीने की आपण या मंचावरती येऊन स्थानपन्न होऊन या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी। फिर से एक बार आपने कोटो का दूसरा पेल स्पेल पूरा करने के लिए आए हैं साउथ एंड की ओर से, इंदापुर एंड की ओर से, हरियाली एंड छोर से और नौशेक एंड से 18-20 का गज का फासला दौड़ने के शुरू अंपर को पार करते हुए और पूरी गेंद जड़ में बिल्कुल कैरिडोर में। बल्लेबाज ने सीधा ब्लेड ओपन किया था लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन सीमा रेखाओं की तरफ, लेकिन वहां पर फंदे लग चुके थे। एक बिंदी गेंद निकलती हुई इस ओर से, गेंद से आवाज तो कुछ अलग सी निकली, टपकर की आवाज आई। हम पर इस गेंद को चेकआउट करते हुए लेकिन जो भी फैसला होता है दोनों के सहमत से होता है। अगर सिलाई निकल गई है तो यकीन दो हम्पायर के बीच में ये फैसला होगा, लेकिन इसको बाईस जगह बरी कर दी है। अच्छी गेंद जो यॉर्कर लेंथ में फुल लेंथ ऑफ द डिलीवरी देखने को मिली। फिर से एक बार सागर चढ़ अप द लेंथ और इस बीच गेंद पूरी तरह से पंच पर नहीं आई, वरना ये गेंद स्क्वायर की तरफ स्क्वायर लेग की तरफ निकल जाती, बल्ले के बीचों बीच और मिड ऑन की तरफ निकलती हुई एक गेंद। और इस गेंद से निकले हैं सिर्फ एक अंक स्कोर में तब्दीली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26। भले चाहे 49 रन हो लेकिन यहां गेंदबाजों ने ये तरीके तलाशने होंगे या फिर बल्लेबाजों ने ये तरीके तलाशने होंगे, दबाव बनाने के रास्ते ढूंढ लेने होंगे। स्कोर जा पहुंचा है 26, एक विकेटों के खातिर तीसरा 11 अपना लोहा मनवाते हुए पोलाड के इस सॉरी होटल के इस सरजमी पर सागर फिर से एक बार अपना मोर्चा लेके राइट आर्म और मीडियम पेसर के रूप में फिर से एक बार ब्लॉक हॉल में फुल लेंथ ऑफ द डिलीवरी वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, सफल रहे लेकिन बल्ले का हल्का सा एज स्लीपर कवर की तरफ निकलती हुई एक और रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 एक विकेटों के खातिर तीसरा 11। ये तीसरा ओवर प्रगति पथ पर होते हुए, अरे बाप रे बाप, तंबू में बंबू, अब क्या करेगा लंबू।
जरूरी है। अगर मैच में सर्वाइवल रहना है तो यकीनन कुछ बड़े हिट की तलाश है तीसरी टीम के लिए, लेकिन बेहतरीन कमबैक गेंदबाजी की। हल्का सा गेंद यहां पर मिला, लेकिन इस बीच गेंद को पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से निकालना चाहते थे, ये गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी। बिल्कुल एक स्टडी लेवल की बल्लेबाजी का मुजारा देखते हुए इस बल्लेबाज से। अरे बाप रे बाप, इसी के अंदाज से न जाने इसे बल्लेबाज के आर्म्स में दम है न कि, हल्का सा ब्लेड को ओपन किया था इनसाइड एज लग के कॉट द बिहाइंड विकेट के लिए, सीधी गेम सिमट गई कीपर की दास्तानों में। एक और झटका, टीम के अंपायर पराग और नीलेश मैदान में अंपायर की भूमिका निभाएंगे। कमेटी की ओर से और कमेंटेटर मात्र सर इनके ओर से उनका शुक्रगुजार करना चाहेंगे इस मैच के बाद आने वाले मैच के लिए। यह बहुत ही आने वाला मुकाबला बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। हशिवरे बनाम साई, एक के बाद एक झटके तीसरा टीम के लिए तो बहुत ही ये दर्दनाक है। सागर ने इस ओवर से दो रन देकर दो सफलता हाथ लगी है, ये तीसरा टीम के लिए बहुत ही दर्दनाक है। ये धक्के सहन नहीं पाते इसलिए मात्र सर कहते हैं अजी टेस्टर क्या जाने बिजली का झटका, टेस्टर क्या जाने बिजली का झटका और एक्सप्रेस में सफर करने वाला क्या समझे लोकल का फटका। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोकल का फटका लग जाए। विठल नगर की टीम की ओर से एक और गेंदबाज मोर्चे पर लाया गया है साहिल। हरियाली एंड छोर से सुखी घाट की एंड की ओर से नॉइस टाइक एंड की ओर से लगभग 18-20 गज का फासला, राइट एंड मीडियम फास्टर्स। बारह गेंदे और 22 रन। बढ़िया गेंद बिल्कुल जड़ में डालने का प्रयास सफल रहे गेंदबाज, लेकिन हल्का सा एज लॉन्ग ऑन सीमा रेखाओं की तरफ निकलती हुई गेंद के लिए। 11 गेंदे और 21 रन की जरूरत। तो पर्यंत में सांगू इच्छित निखिल खानविलकर साहब कुठे असतील त्यांना विनंती आहे कि आपण इथे उपस्थित असाल तर कमिटीच्या वतीने कमेंटेटर मात्र सर यांच्या वतीने आपणास विनंती या मंचावरती येऊन स्थानबंध होऊन या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी अशी मी आपणास विनंती करू इच्छितोय। जी हा, रिदम में हल्की सी खराबी, जस्ट पॉइंट डालने की तलाश में थे स्कोरर, मना किया। अभी भी 11 गेंदे और 21 रन की जरूरत दोनों ही टीमों के लिए। ये बहुत ही नजदीक का मामला आ चुका है घरेलू दोनों टीमों के लिए। लोअर फ्लैट फुल टॉस और सीधी गेंद को लिफ्ट किए हैं वन बाउंस अली बाबा 40 चोर। गेंद चली लॉन्ग ऑन सीमा रेखाओं की ओर 4 रन के लिए।
जाएगा सिर्फ पत्रा जड़ में, फिर से एक बार जड़ में डालने का डायरेक्ट हिट, लेकिन मना किया। 9 में 16 आंब्याच्या झाडावर लटकलाय मधमाशांचा पोला, नक्की माशा उठवायला लागतील। खेळणाऱ्यांच्या पेक्षा बघणाऱ्यांच्या पोटात आलाय गोला। नौ गेंदे 16 और यकीनन, और इस पिच गेंद को उड़ाया, उड़ाया हवा में तीन फील्डर गेंद के नीचे, और बेहतरीन कैच, बेहतरीन अंदाज से 8 में 16। राकेश वाडवण कुठे असतील, त्यांनी त्वरित पॅनलशी संपर्क साधायचा आहे। राकेश वाडवण ये बहुत ही नजाकत भरा मुकाबला देखने को मिलेगा। इससे पहले की जो प्रीवियस इनिंग बन गई थी मजगांव बनाम वरस सापैया क्रीडा स्पोर्ट, 2 अंक से हारी सापैया वरसगांव, लेकिन पूरी जान दबा पे आ गई थी, पूरा कलेजा जुबा पे आया था। और फिर से जड़ में, और बिल्कुल ये गेंद लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन सीमा रेखाओं के बीच में 1 अंक प्राप्त करते हुए 7 में 15। 7 में 15 पर्दे के पीछे है सुंदरा, उठाओ लुंगी और बजाओ पुंगी पापा, अब नहीं तो कब नहीं, फिर 1 साल लगेगा। 7 में 15 नक्कीच 7 चेंडू आणि इथं 15 धावांची गरज, आणि दोन्ही संघांना मात्र जर तेरती भावना ठेवावी लागेल, कारण इथे परत सर्वायवर राहण्यासाठी आपल्याकडे काहीही पर्याय शिल्लक नसणार। लेंथ आणि खरोखर हा जर चेंडू बॅटच्या बीचोबीच जर आला असता तर नक्कीच मुंबई गोवा महामार्गावरती गेला असता, परंतु जर तरची भावना होती, 4 षटकांखेरीज धाव संख्या स्थिर, शेवटचे 6 चेंडू आणि अजूनही 15 धावांची गरज, पाण्याची मांग केलेली आहे दोन्ही संघांसाठी, मात्र हे 6 चेंडू नक्कीच निर्णायक ठरणार आहेत, कारण दोन्ही संघ हे या मैदानावरती खेळतात आणि प्रत्येक संघाला या जमिनीची महक ही माहित आहे। काय घडेल काय बिघडेल हे दोघांना माहित आहे, परंतु नसीब कोणाच्या बाजूने झुकतील हे सांगू इच्छितोय, ह्याची कल्पनाही कोणीही करू शकत नाही। काय घडेल 6 चेंडूंमध्ये जे प्रयत्न केलेत विठ्ठल नगर संघाने, 48 धावा धावफलक्यामध्ये दाखल केलेले आहेत 6 फलंदाजाच्या मोबदल्यामध्ये, आणि आता मात्र जरतरची भावना आलेली आहे तिसरे संघासमोर। दोन्ही फलंदाजावरती मोठी जबाबदारी, 1-2 मोठ्या फटक्यांची आतषबाजी पाहावी लागेल तरच तिसरे संघ कमबॅक करू शकेल। जर 3 चेंडूमध्ये ह्या मॅचचं भवितव्य अवलंबून आहे, पहिल्या 3 चेंडूमध्ये मॅचचं भवितव्य अवलंबून आहे, ही उपस्थित असलेली सर्व प्रेक्षक आणि जनता हेही माहित आहे की पहिल्या 3 षटकांमध्ये काय दडलंय त्याच्यावर मॅच कुठे जाणार याचं गणित अवलंबून ठरलेलं आहे।
शेवटचे सहा चेंडू घेऊन येतोय विठ्ठल नगरच्या संघाकडून गोलंदाज आहे दीपेश पवार आणि मात्र फील्ड कोणत्या पद्धतीने सजवलेली असेल याच्यावरती सुद्धा फोकस करावा लागेल. फाईन लेग आहे, स्क्वेअर लेग आहे, मिड विकेट आहे, लॉन्ग ऑन आहे, चारही दरवाजे बंद केलेले आहेत. तिथून राईट हँड बॅट्समन मोठे फटके मारू शकतोय. त्याचप्रमाणे लॉन्ग ऑफ आहे, स्लीपर कव्हर थर्ड मॅन. पहिला चेंडू आणि हा चेंडू फिरकावून देतोय फलंदाज. मुंबई गोवा महामार्गावरती स्लॉट मध्ये टाकलेला चेंडू षटकारणीशी या चेंडूचं वेलकम केलंय, स्वागत केलं. यकीनन यहां पर हर बल्लेबाज के अपने अरमान कुर्बान करने होंगे इस इनिंग के लिए जो इन्होंने अब तक अपने तिलों में छुपा के रखे हुए हैं. वो आज अरमान और ये वक्त आपसे हिसाब मांग रहे हैं. पांच गेंदे और नौ रन की तलाश और फिर से इस बीच गेंद को लिफ्ट किया है करारा छक्का. ने कहा था मैच इस ओवर को अंजाम देने से पहले तीन गेंदें बहुत ही निर्णायक होंगी. और फिर से यहां पर मेला लुट गया, मेला लुट गया. बहुत ही शानदार तरीके से जीत को खींच के लेकर आए हैं तीसरा इलेवन.